सारे मुश्किल अखबार की अलहमदुल्ला सुबह से आप सारे लोग बैठे हुए हैं वक्त के मुकम्मल ज्यादा हो चुका है और मेरा भी गला बैठा हुआ है। तो बहरहाल देखिए ये एक छोटी सी कोशिश थी, एक बहुत बड़ा मिलत में गैप था हमारी। तो सुबह से बैठे खाने में एक पॉइंट पर खाली टच करना चाहूंगा, ये अवकार का स्केल अप करना, बड़ा करना, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, जो मुल्क के हालात है और एक बहुत बड़ा मिशन हमको लेके चलना है। मिलत के पास क्लैरिटी नहीं है, हम सारे लोग परेशान हैं। आज जो है साइड आकर कुतें बढ़ रही हैं, मुसलमानों को साइड लाइन किया जा रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो, रोना धाना ऐसा लगा कि इतने बेबस है कि हमारे पास सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसी बेबसी का रोना करना क्यों? ये जो हमने जो दीन का जो एक सिर्फ एक एस्पेक्ट को पकड़ लिया हमने, कि दीन का जो डेफिनेशन हम लिया है वो कुछ इबारात तक महदूद करके रख दिया है। और देखिए हमारी तारीफ जो रही है ना, हमेशा हम देने वाली कौम रहे हैं। हम जब कहते हैं कि इस्लाम के पास आपके सारे मसाइल हल है, जब सारे मसाइल की बात करते हैं तो ठीक है, अभी हमने कामती मुहिम बनाई, हमने इस्लाम बारे में मुताबिक कराया कि जो दूसरी छूटा सारा मसाइल है, इस्लाम में सोशल जस्टिस एक इंसाफ आपको देता है, वो है आपके जो इश्यूज हैं उसको सब एड्रेस करता है। लेकिन हम ये सिर्फ ये कह के रह जाते हैं कि आज जो गरीब आदमी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विकास, तरक्की, प्रोग्रेस। यहाँ के अवाम को जो है ना, ठीक है उसको सोशल जस्टिस चाहिए, उसको निजात के मरने के बाद आखिर तक सबूत भी चाहिए, लेकिन वो सुबह शाम तक जो परेशान हो रहा है ना, उसके जाती उसके लाइफ स्टाइल को जो इम्पैक्ट हो रहा है, दो वक्त की रोटी, रोटी कपड़ा मकान, जो उसके बेसिक नीड्स है उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारे सारे चीजों में ना वो चीज वो दम हो इम्पैक्ट नहीं होता है। बहरहाल जब आसमी महाराष्ट्र ने इसलिए विकास शुरू हुई ढाई साल पहले 2015 अप्रैल में, तो एक शोभा क्रिएट किया गया जिसका शोभा चरण किया बिजनेस डेवलपमेंट सेल, उसमें जनरल महाराष्ट्र गुजरात इंजीनियरिंग की कमेटी वाली बैठी, चार पांच महीना तो लगेगा सोचने में क्या करें, इतना बड़ा हुआ का काम है। तो मैं शॉर्ट बताना चाहूंगा, हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की है, पांच छह चीजें हमने आइडेंटिफाई की और अलहमदुल्ला उन सारी चीजों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। सबसे पहले गैप था, क्यों गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट चाह रही है पीछे पड़ रही है कि भैया बिजनेस शुरू करो, इस मुल्क की जीडीपी को बढ़ाओ। आज मोदी जी का सबसे बड़ा चैलेंज है वो जीडीपी गिरते गिरते कब आ रहा है, मनमोहन सिंह के टाइम पर कब पड़ता और वो परेशान किस तरह जीडीपी बढ़े, वो आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, दुनिया के किसी क्षेत्र में किसी दौर में कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी हुकूमत हो वो चाहती है कि इस मुल्क के रिसोर्स बढ़े, और रिसोर्स बढ़ाने वाला वो पॉलिटिशियन, वो लॉयर, वो टीचर, वो डॉक्टर नहीं है, वो आप बैठे हुए वो एंटरप्रेन्योर्स। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कुछ रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो, मैं मशीन बनाता हूँ वो लोहा 50 किलो का है, अपने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से वो मशीन बना के 500 रुपए करता हूँ, वो जो 100% जितना बड़ा 10 टाइम्स में वैल्यू बढ़ा है सब मेरा शेयर नहीं है, उस पर वो बर्दस्त साल करते हैं, इस रिसोर्स को वैल्यू करता है, मैं मुल्क के बाहर बेचता हूँ, गवर्नमेंट आके मुल्क देता हूँ। तो गवर्नमेंट मुझे बात बात देगी और आप सब लोग को मुझे मतलब आप सब लोग जो एंटरप्रेन्योर है ये सोच गवर्नमेंट आपको सपोर्ट, और अच्छा एक बैनर क्या लगा हुआ है ये बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमारा क्या सपोर्ट है। लेकिन अब मामला ये है कि इसका कोई गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से लेने देना नहीं, वो आपको सपोर्ट करती है और हमने एक चेन ऑफ समिट्स कर दिया, और हर समिट के अंदर देखिए कुछ 15 के ऊपर समिट्स हुए हैं, कोई बड़ी सिटी छुट्टी नहीं है, हमारा नागपुर में हुआ है, नागोला में हुआ है, नांदेड़ हुआ है, अहमदनगर हुआ है, इतने चेन ऑफ समिट्स और इतने सीरीज गवर्नमेंट के ऑफिसर, स्टेट के ऑफिसर, MIDC वाले, DGFP वाले, SSI वाले सब ऑफिसर शुक्रिया बोल के आते हैं, उनको खुशामद नहीं करनी पड़ती। तो ये गैप था कि गवर्नमेंट की स्कीम से वो गैप अलहमदुल्ला निभाने बहुत अच्छे अंदाज में प्लेटफॉर्म में वो गैप कवर कर दिया। आपको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से किसी भी तरह की जो हेल्प चाहिए अलहमदुल्ला कॉन्टेक्ट है आपको हो जाता। उसके बाद एक था कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास सारे एक्टिविटीज करते हैं वो शुभ सर्व तिजारा करने को PDC के तहत करने तो हमने तक लीगल बॉडी हो जाए हमारा। तो बहरहाल अच्छे मेरी कोशिश हुई, रेखा चंद्र फॉर्मस एक लीगल बॉडी मुझे आ गई है,
जिसके तहत सारी एक्टिविटीज हमारी हो रही, 500 प्रोग्राम भी उसका हिस्सा है। उसके बाद देखा कि हम स्टार्टअप बहुत सारे जहन आइडियाज होते हैं कि बिजनेस आइडियाज किस तरह से गवर्नमेंट स्टार्टअप को हेल्प कर रही है, और हमारे अक्सर लोग जहन में आइडियाज होते हैं, लेकिन आइडियाज स्प्लाइस करना, पेपर पर लाना, जमीन पर चला के देना, ये बहुत बड़ा था। कई लोग इसको डूब जाते हैं, शुरू करते हैं तो स्टार्टअप एक सेल है, हमारे अहमदनगर के मुजीब साहब है और कई लोग इसमें गाइड कर रहे हैं। तो चेन ऑफ सीरीज हमारे पास करीब 80 लोग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और कंसल्टेंसी गाइडेंस हम सारी चीज पर दे रहे हैं। एक बड़ा गैप था जो अभी हमने हमारे अहमदनगर साहब ने किया, ये बहुत बड़ा गैप था। जब कभी समिट पे जाते हैं सबसे बड़ा चैलेंज कुछ सौ लोग पैसा नहीं है, पैसा आया सारा मसला हल, जबकि जितना बड़ा आपका मसला है पैसों का, उससे कई गुना ज्यादा मसला ऐसे लोगों का है जो पैसे लेके बैठे हुए, वो बोले कहाँ लगाओ कहाँ लगाओ। तो कोई चैलेंज नहीं है इस मिलत के पास, मैं कोई यकीन साथ कह रहा हूँ कि पैसे का किसी किसी का कोई चैलेंज नहीं, जितने कैश फंड आपके पास है उतना किसी के पास नहीं। लेकिन बहुत बड़ा क्या है, जो पैसा लगाने वाला बेचारा डर रहा पैसा लगाओ तो डूब जाए, परेशान थे कैसे करें, तो रैबर से जैसे हमने आया किया उनको सभी किया, तो अलहमदुल्ला अपनी सुबह में भी जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, बहरा एक खुश सब्जेक्ट था और जिस तरह से ये पूरे दिन का टॉपिक है, लेकिन यही जानिए जो टॉपिक जो कमेंट्स आपने बताया है वो एक बहुत पुराना सेशन होता है, इतना अहम है, इतना अहम है कि जिस जो कोई पूछा पैसे चाहिए उसके डॉक्यूमेंटेशन करने कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन करने ही चाहते हो चाहता है मुंह से बोलते हो मुझे पैसे दे दो, पैसे कोई देता है कर सकता है, आपकी कोई तो सोशल मीडिया पर एड्रेस करता है,
और मैं कहता हूँ हमारे लिए तो आखिरत है, हम इंसानियत का मसला हल करेंगे, अल्लाह ताला आखिरत को हमारा मसला हल करेगा, जन्नत से हल करा देगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा हमारे लिए कि अगर आपने कितने लोगों के आंसू पोंछ लिए, कितने लोगों के आपके जरिए चूल्हे जल गए और आपने अल्लाह के क्या कहते हैं इंसानियत खिदमत कर दी तो अल्लाह से राजी होगा। तो ठीक है, ये एस्पेक्ट भी जो है हमारे सामने होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये सब अपने सामने रखकर कोशिश करें इंशाल्लाह बहुत एक और से निकाल रहे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस कॉज के लिए मतलब सारे लोग बिजनेस में नहीं जरूरी नहीं बन जाए, लेकिन जो हमने कॉपी की है हम कोशिश करें इस एस्पेक्ट को एड्रेस करकर एक मिल्लत की जो माशी जो पीपल्स की है उसको एक रिफा बता भी कोशिश मिल जाए। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह हमें इस कॉज में कामयाब करें।